टूटे पे फिर न जुड़े और जुड़े गांठ बनी जाए। जब टूटेंगे संबंध तो वो कभी जुड़ नहीं सकता, अगर जोड़े तो धागे को जैसी गांठ बन जाती है, उस तरह होंगे। तो हमने प्रयत्न करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे संबंध रहना चाहिए हमारे दूसरों के साथ, ताकि हमारे और ज़्यादा जो गहरे संबंध हो और जो कटुता की भावना है दूसरे के प्रति मन में होंगी भी तो वो निकल जाए। मुझे एक स्टोरी याद आती है, क्या होता है कि एक समुद्र होता है और एक नदी होती है। तो नदी को ऐसा लगता है कि मैं मेरे नदी से कुछ भी वहाँ के ले जा सकती हूँ, मैं पहाड़ ले जा सकती हूँ। एक स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें एक नदी है और एक समुद्र है। नदी को ऐसा लगता है कि मैं ये मेरी नदी जो है, मैं जो हूँ, मैं समुद्र के अंदर घर बहा के ले जा सकती हूँ, पर्वत बहा के ले जा सकती हूँ, मैं झाड़ बहा के ले जा सकती हूँ। तो अब वो समुद्र के पास जाती है और समुद्र को बोलती है कि भैया, भाई तू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊँ, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ भी ले जाके दे सकती हूँ। तो समुद्र पहले थोड़ा सा विचार करता है और विचार करने के बाद में उस नदी को बोलता है कि बहन, तू मेरे लिए घास लेकर। समुद्र को लगता है कि इसे अहंकार है, तो वो बोलता है बहन, नदी बहन, मेरे लिए तू कुछ मत ला, सिर्फ मेरे लिए घास बहा कर ले करा, घास उखाड़ कर ले करा। अब वो नदी प्रयत्न करती है, जितना जोर लगाती है वो उसके पानी के प्रेशर का, जितना प्रवाह बढ़ाती है वो, तो वह जो घास रहता है वो घास उपड़ता नहीं है, वो घास निकलता नहीं है जमीन में से, उखड़ता नहीं है। जैसा जैसा जोर लगाती है नदी घास उखाड़ने के लिए, वो घास ऐसा तिरपा तिरपा होते जाता है। जैसा जैसा जोर लगाते हैं घास तिरपा होते जाता है, वो घास तो कुछ निकलता नहीं है, उखड़ता नहीं है। फिर उसको समझ में आता है नदी को कि अपनी गलती हुई, वो जाके समुद्र के पास बोलती है कि भैया मैं थक गई, मैं घास कुछ ला दे सकती हूँ। फिर समुद्र बोलता है कि नदी को कि दीदी बहन, ये जो घास है ये घास इसलिए नहीं उगता कि वो नम्र है, और जो तटस्थ होते हैं झाड़ों के तरह, पर्वत के तरह, घरों के तरह, वो जो झुकते नहीं वो कभी भी उखड़ जाते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि हमें नम्र होना चाहिए घास के तरह, हमें नम्र इतना होना चाहिए ताकि कभी भी हम उखड़ ना सके, हमें हमारा स्वभाव इतना अच्छा बनाना चाहिए कि हमारे संबंध अच्छे हों।